सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। मित्रों, कभी कभी इतनी दिक्कत होती है, आप लोग मुझे फोन करते हैं और मेरा नाम पूछते हैं, जब मैंने नंबर दिया है फोन में तो नाम मैं पहले ही बताता हूँ। शायद ही कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें मैंने अपना नाम ना बताया हो। मैं अपना नाम ज़रूर बताता हूँ, फिर भी बहुत सारे ऐसे स्वनाम धन्य लोग हैं जिनको प्रणाम करने का जी चाहता है कि वो मुझसे मेरे चैनल का नाम भी पूछने लगते हैं। चैनल का नाम पूछने लगते हैं, मेरा नाम पूछने लगते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ध्यान रखें कि आगे से अगर फोन करें तो नाम मत पूछें, ठीक है? अगर चैनल में नंबर दिया गया हुआ है तो मैं ही बात करूंगा या मेरे चैनल का कोई व्यक्ति बात करेगा। आपको अपनी समस्या से मतलब है, आपको अपनी समस्या कहनी है, उसका निदान पाना है। अगर आप वह नंबर लगा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, अब दूसरा कोई नंबर आप लगाएंगे उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। आते हैं अपने मुद्दे पर। आज भारत में लॉकडाउन का 11वां दिन है। और देश भर से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिर पीटने को जी चाहता है। एक तरफ हमारी सेना, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, हमारे सफाई कर्मचारी या और भी लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं, वह आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, भला कहीं देखा है ऐसा आपने कि आप अपने घर बैठो हम आपका सब कुछ करेंगे? आपसे कोई कह दे कि आप घर में बैठे बैठे लेटे लेटे खाइए केवल, और आप अपनी चिंता मत करिए, अगर आपके पास भोजन नहीं है तो आपको हम भोजन भी दे देंगे, बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई आपको अगर किस्त देनी है वो किस्त नहीं आएगी, पानी सुचारू रूप से आ रहा है, बिजली सुचारू रूप से आ रही है, भोजन का पैकेट भिजवाया जा रहा है, और सिर्फ सरकार यह कह रही है कि आप घर में रहें, लॉकडाउन चाहे वो 21 दिन का हो, चाहे वो 2 महीने का हो या 3 महीने का हो, सरकार खातों में पैसे डाल रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां मौका मिलता है निकल लेते हैं, वो भी किसी सुरक्षा के बिना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हम। और शर्म तब आती है जब पुलिस पर थूका जाता है, शर्म तब आती है जब नर्सों के सामने नंगा घूम करके उनसे अश्लील भद्दे भद्दे मजाक किए जाते हैं, शर्म तब आती है जब किसी पुलिस वाले पर, किसी डॉक्टर पर थूक देते हैं। तो क्या यह लोग थूकने के लिए बने हैं आपके? और उससे भी शर्म वाली बात यह है कि यह सब कुछ समाज के एक वर्ग द्वारा किया जा रहा है, एक विशेष संप्रदाय के द्वारा किया जा रहा है। वह लोगों पर थूकते भी हैं, लोगों पर खांसते भी हैं,
और सुनियोजित तरीके से पूरे देश में फैलाए गए। पहले ये कई देशों से आकर के दिल्ली में इकट्ठा हुए, इसके बाद में ये हर राज्य को भेजे गए एक जत्थे के रूप में, क्योंकि वह जानते थे कि इस देश को अब AK-56, AK-47 राइफलों से, मिसाइलों से, आक्रमणों से नहीं मिटाया जा सकता। कसाबों को भेजने से और तमाम प्रकार के आतंकी हमले करवाने से इस देश को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ये वो अच्छी तरीके से जानते थे। तो उन्होंने एक सीक्रेट मिशन बनाया। उस सीक्रेट मिशन में वो चाइना से कोरोना वायरस के संक्रमितों को लेकर के आए और उनको सबसे मिलवाया गया, उनको सबसे सब जगह भिजवाया गया। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस दिन से दिल्ली से यूपी और बिहार के राज्यों में लोग आए, हजारों की संख्या में जो आए, कुछ पैदल चल दिए थे, कुछ बसों से आए, उस दिन तक 700-800 की संख्या थी बीमारों की, और अभी 4 दिन नहीं हुए हैं, आज की संख्या 3,000 को पार कर गई है। अरे गर्व करो कि तुम भारतवर्ष में रहते हो, गर्व करो कि विश्व में अभी तक जहां हजारों की संख्या में लोग मर गए हैं, चाइना में तो कहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, लेकिन सारे विश्व से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं पर 10,000, कहीं 14,000, कहीं 8,000, कहीं 4,000, कहीं 6,000 लोग मरे हैं ऐसे, और भारत में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 62 मौतें हुई हैं ऑन द रिकॉर्ड। अभी तक का टीवी पर 62 मौतें बता रहा है और लगभग 2902 केस बताए गए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, और ये कैसे संभव हुआ है? अरे गर्व गर्व करो कि तुम्हारे पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, गर्व करो कि तुम्हारे पास ऐसी सरकार है, ऐसी विरासत है जो संसार में कहीं नहीं है, गर्व करो कि तुम भारत में रहते हो। आज इंडिया न्यूज़ में मैंने देखा, बता रहे थे कि पाकिस्तान की न्यूज़ थी कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें इमरान नहीं, हमको मोदी चाहिए, काश अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारा होता जिसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल, अगर ये तथा कथित इंदौर वाले, गाजियाबाद वाले, कानपुर में भी बदतमीजी हुई है डॉक्टरों नर्सों के साथ में, ये कुवासनाओं से ग्रस्त तबलीगी जमात के लोग अगर इस देश में नहीं होते, तो मैं समझता हूं कि अभी तक आंकड़ा 1,000 के आसपास होता, ये 3,000 का आंकड़ा नहीं होता। और शर्म की बात यह है कि उनको पनाह देने वाले हमारे देश में ही मौजूद हैं, जिनको 1947 में जाने से रोक लिया गया था, इसलिए कि गांधी जी ने कहा था कि शरण में आए हुए का मरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, शरण में आए हुए का मरण नहीं होना चाहिए, उनको हमने शरण दी, तो ये किसने कहा था कि उनको वोट देने का अधिकार दो? ये किसने कहा था कि उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दो? ये किसने कहा था कि उनको ये तमाम सारी घटिया टाइप की संस्थाएं बनाने का अधिकार दो? अगर ये लोग आज भारत में नहीं होते तो आप समझते हैं क्या होता?
अयोध्या मुद्दा होता ही नहीं, काशी का मुद्दा होता ही नहीं, मथुरा का मुद्दा होता ही नहीं, ये कुछ नहीं होता। पर हमारे यहाँ के लोग मूर्ख हैं जो बंटवारे के बाद भी उन लोगों को यहां रहने दिया। अरे भाई, बंटवारा का मतलब होता है कि आपका हमारा बट गया, आप अपने में रहो, हम अपने में रहेंगे। नहीं, आप बताइए, जो बंटवारे में जो लोग बाहर गए, वहां पर आज सनातनियों की, हिंदुओं की कितनी संख्या है और वो किस हाल में है? और हमारे यहाँ तथाकथित ये शरणार्थी लोग किस हालत में हैं? मैं इसमें कोई धर्म की बात नहीं करता हूं कि किसी से हेट करना, घृणा करना या ऐसा, लेकिन जो सामने है तो आप देखते हुए मक्खी को निगल तो नहीं सकते। आप जानबूझकर मक्खी तो नहीं निगल सकते, सीधी सी बात यह है। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, अपनी गलती। हमने उनको यहां क्यों रहने दिया जब सारा निर्णय हो चुका था? तो उनको यहां रहने क्यों दिया? भोगो। और आज भी लोग उनके पक्ष में, हमारे लोग बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग खराब हैं, हमें कलाम जैसे लोग चाहिए, हमें शहनवाज हुसैन जैसे लोग चाहिए, हमें मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग चाहिए, हमें मोहम्मद आरिफ खान जैसे लोग चाहिए, हमें ओवैसी नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद साद नहीं चाहिए, हमें बुरहान वानी नहीं चाहिए। कब समझोगे? जो तुम्हारी सेवा करें, जो तुम्हारा इलाज करें, जो तुमको भोजन दें, जो तुमको सुरक्षा दें और सब कुछ मुफ्त में दें, बिना पैसे के दें, आप उन पर पत्थर फेंकते हो। ये पत्थर पहले तो केवल कश्मीर में फेंके जाते थे, अब ये पत्थर भारत के हर कोने से क्यों फेंके जा रहे हैं? पुलिस पर, डॉक्टरों पर, हमारे ही देश के अंदर हमारे आर्मी के लोगों पर, भारतीय सेना पर हमला करके सैकड़ों की संख्या में उनकी हत्या क्यों कर दी जाती है? क्या ये पुलिस वाले जवाब नहीं दे सकते? बखूबी दे सकते हैं, आर्मी जवाब दे सकती है, पर वो ये सोचते हैं कि ये हमारे देश के लोग हैं और ये सोचते हैं कि हम दूसरों के देश में हैं। ये तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हुकूमत इनकी नहीं हो जाती। और हमें अपने संविधान की रक्षा करना है, हमें अपने देश की रक्षा करना है, हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। फल बेच रहे हैं तो फलों में थूक लगा करके रख रहे हैं, खाने पीने की चीजों में, भंडारे में थूक रहे हैं। साला क्या बना रखा है तुम लोगों ने? इस देश को क्या बना रखा है तुमने? याद रखो, कड़ा जवाब मिलेगा। सरकार ही नहीं, इस देश की जनता भी देगी। आज समय आ गया है जब ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून भी बनाए जाएं और
इनको इनकी औकात याद दिला दी जाए कि तुम हो क्या। हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है, हमारा यही धर्म होना चाहिए, यही कर्म होना चाहिए। हम आंख मूंद करके बैठेंगे, भाईचारे की बात करते रहेंगे, जो कि हमारा स्वभाव है, और इनका स्वभाव आतंकी हमले करना, हम लोगों पर थूकना, हम लोगों में संक्रामक बीमारियां फैलाना, हम लोगों को गाहे बगाहे हमला करके मार देना, काट देना, हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ में लव जिहाद करना, अब ये वायरस जिहाद करना क्या है? मैं बहुत टेंशन में था, मैंने कई दिन तक वीडियो इसीलिए नहीं बनाया, मैं केवल स्थिति को वाच कर रहा हूं, देख रहा हूं। हमारी सरकारें सक्षम हैं, हमारी सरकारें इससे निपटेंगी, हमारे संविधान की रक्षा हमें करनी होगी। अरे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी चाहिए, हमें इमरान नहीं चाहिए। मोदी जी भारतवर्ष में हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं और पाकिस्तान में इमरान कब्रिस्तान बनवा रहे हैं। 80 एकड़ का कब्रिस्तान, जिसका आज उद्घाटन भी हो गया है, एक मरीज वहां गाड़ भी दिया गया है, वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। और यहाँ के हमारी ये जो हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले गुलछर्रे उड़ाने वाले लोग, उनको भारत अच्छा नहीं लग रहा है। अरे यार तो अच्छा नहीं लग रहा है, हमने कब कहा कि तुमको अच्छा लगे? तुम जाओ यहां से, ऐसे नहीं जाओगे, कानूनन जाओगे। और जब कोई कसाब पैदा करोगे, जब कोई अफजल पैदा करोगे, तो भारत सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि उनके साथ क्या किया जाता है। मैं अपने लोगों से अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों से, हिंदुस्तानियों से अपनी बात कर रहा हूं। मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है, मुझे किसी से कोई पूर्वाग्रह नहीं है, पर हम अपने हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, बचा के रहेंगे, और इसमें किसी प्रकार का मुगालता नहीं पालेंगे। और आने वाली हर बाधा को हम पार करके रहेंगे। तुमने कोरोना लाया है भारत में, देख लेना इस कोरोना के क्या हालत होती है, क्या कर लोगे तुम? फैलाओ कोरोना, क्या कर लोगे तुम? भारतीय अध्यात्म को, भारतीय आयुर्वेद को क्या आप समझते हैं? हाँ, पश्चिमी सभ्यता के जो पोषक हैं वह डॉक्टर्स लोग भले ही इस बात को ना माने, मैं उनसे मानने के लिए नहीं कहता, और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन जरूर करता हूँ कि अगर तुम आयुर्वेद को भी जरा उसमें प्रयोग करके देखोगे और किसी की जान बच जाएगी, तुम्हारा क्या चला जाएगा? ये तो तुम भी मानते हो कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं। और आयुर्वेद में टॉक्सिन्स को और जो इस प्रकार के विषाणु जीवाणु हैं, रोग के कारणों को
नष्ट करने की बात वो नहीं करता, वो उस चीज को शरीर से निकालने की बात करता है कि किसी माध्यम से वो शरीर से वो चीजें बाहर निकल जाएं, बस मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो कम से कम प्रयोग करने की ही स्थिति से देखिए कि हम उसको प्रयोग करा करके देखें। अपनी संस्कृति से, अपनी चिकित्सा पद्धति से इतनी दूरी मत बनाओ। खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष चिकित्सकों से भी सेवाएं लेने के लिए हामी भर दी है, और यह है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की बड़ी जीत है। अंत में मैं यही कहूंगा कि कल 5 अप्रैल को रात 9 बजे आप सभी लोग दीपक जलाएं, दीपक जलाएं, मोबाइल की फ्लैश लाइट या और प्रकार की लाइट का प्रयोग ना करें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप घी का दीपक, तेल का दीपक, मोमबत्ती, कुछ भी जलाएं, जलाएं और इस राष्ट्र को अपना सहयोग देने में, अपनी राष्ट्रीयता को उजागर करने में, भारतीयता की हुंकार को विश्व में बढ़ाने के लिए एकजुट हों। धन्यवाद।